सीजी बंटवारी का फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले ब्राउज़र में सर्च करना होगा सीजी व्यापम। सीजी व्यापम को सर्च करेंगे, सीजी व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा यहाँ पर। इसमें फर्स्ट वाले लिंक में क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन में यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट वाले में आ जाएगा ऑप्शन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन करके। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका आवेदन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या आप विज्ञापित पद के लिए शैक्षणिक अर्हता हैं, तो यहाँ पर यस करेंगे। मूल निवासी हैं तो यस, निवास आपका डोमिसाइल किस जिले के आप स्थायी निवासी हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इतना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है जो कि 40 KB से 60 KB के बीच होना चाहिए, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए कैंडिडेट नेम में आप अपना नाम इंटर करेंगे, यहाँ पर आप रिलेशन अपने यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से अपना फादर नेम, उसके नीचे यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कैटेगरी में आ जाएंगे। कैटेगरी के बाद यहाँ पर आप सर्विस मैन होंगे तो यस, नहीं तो नो करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस यहाँ पर देना है, तो अपने हिसाब से आप वहाँ पर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एड्रेस, तो एड्रेस यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिलअप करेंगे। उसके बाद नीचे में आ जाएगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो इसको आप भरने के बाद नीचे में एग्ज़ाम सेंटर में आप कौन सी सिटी में एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इतना होने के बाद यहाँ पर आप नीचे में देखेंगे एक चेक बॉक्स है, इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सामने में जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको भरेंगे। इतना करने के बाद यहाँ से आप सबमिट करेंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक पॉपअप ओपन होगा, यहाँ पर इसमें इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद यहाँ पर आप ओके में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अगर कुछ चेंज करना होगा तो यहीं से चेंज कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर ओके में क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हैं पे का जो ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ से रिसिप्ट मिल जाएगी, उसको आप प्रिंट आउट लेकर सेव करके रख सकते हैं PDF के रूप में। पेमेंट करने के लिए आप डेबिट कार्ड का उपयोग करेंगे क्योंकि उसमें जल्दी से सक्सेसफुल पेमेंट हो जाता है।